dear student, welcome again to the science class. अब हम इसके पहले वाले लेक्चर में हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे किसके बारे में, फैब्रिक के बारे में, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल फैब्रिक हमारा कंटिन्यू चल रहा था जिसमें हमने पढ़ा था कॉटन के बारे में. अब हम पढ़ रहे हैं जूट के बारे में. ठीक है, जूट इज़ ऑल्सो द नेचुरल फाइबर विच इज़ ऑब्टेंड बाय द प्लांट. तो प्लांट जो है, अब जूट जो है, जूट किससे मिलता है? पटसन. प्लांट जो है उसका नाम क्या है? पटसन. ठीक है, इट ग्रोज वेरी वेरी लाइन एंड विद द क्ले सॉइल. यहाँ पर जो सॉइल होता है, जैसे कि जो हमारा कॉटन था वो ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है, जबकि जो पटसन है वो किस में? क्ले सॉइल में ग्रो होता है. इट इज पैंसी ऑफ द रेनफॉल. और पानी भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, द आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम कहाँ से मिलता है? जिस तरीके से कॉटन हमें कॉटन बॉल से मिलता था, उस तरीके से जो जूट है वो हमें इस प्लांट, जो प्लांट है पटसन प्लांट, उसके स्टेम से मिलता है. स्टेम क्या होता है? वो लंबी सी जो ब्रांच होती है, लंबी सी पहले रूट होती है, रूट के ऊपर जो लंबी सी स्टिक जैसी होती है वो क्या स्टेम है. तो स्टेम उसकी छाल से मिलता है. उस स्टेम की छाल से हमें क्या मिलता है? जूट मिलता है. फ्लावर्स अपीयर व्हेन फ्लावर्स अपीयर द प्लांट इज कट. जब जैसे ही इस प्लांट में फ्लावर आने लग जाते हैं, उस तरीके प्लांट को कट कर लिया जाता है और उसको एक बड़े से पानी के पॉन्ड में क्या कर दिया जाता है? इमर्ज कर दिया जाता है, उसके अंदर डुबो दिया जाता है. उसके बाद ये थोड़ा सा सड़ने लगता है, मतलब ऊपर वाली जो लेयर है वो गलने लगती है. उसके बाद इसको अलग कर लिया जाता है. ठीक है, स्टेम से उसका जो ऊपर का सॉफ्टन पार्ट हो जाता है उसको अलग कर लिया जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं रेटिंग. द लेंथ ऑफ द जूट फाइबर इज 2.5 meters. उससे हमें जितना फाइबर मिलता है उसका वो कितना लंबा हो सकता है? 2.5 meter होता है. तो ये देखिए जूट प्लांट है, यहाँ पर ये यहाँ पर प्लांट है जूट प्लांट. तो यहाँ से यहाँ तक का स्टेम क्या कर लिया जाता है? कट कर लिया जाता है ये पूरा. ठीक है, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पूरे कट कर लिए जाते हैं जब इसमें फ्लावर आने लग जाता है. उसके बाद इसको बड़े से पॉन्ड में डुबो दिया. ठीक है, उसके बाद उससे रिमूव कर लिया उसके फाइबर, उसके छाल को. उसके बाद उसको देखो इस तरीके से उससे क्या बना लिया? फाइबर बना लिया. और उसके बाद इससे फैब्रिक का डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लोथ्स रेडी करते हैं. जूट इज मैक पैकेजिंग मटेरियल, सेक्स बैग. इसके इस जूट जो है कहाँ काम आता है? पैकेजिंग करने में काम आता है. लाइट वेट होता है इसलिए पैकेजिंग करने में काम आता है. मैट्स बनाने में, रूप्स बनाने में. रूप्स कैन बी ऑल्सो बी मैट फ्रॉम द जूट. ठीक है, थैले वगैरह बनाए जाते हैं इससे. बहुत हल्का होता है ये. इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर. ठीक है, बहुत सस्ता है. इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड में ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है. इन इंडिया जूट इज़ ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. जहाँ पर दोनों नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, उस जगह पर वो बोलते हैं डेल्टा. तो वहाँ पर पानी ज़्यादा है. ठीक है, वहाँ पर इस तरीके के जो पौधे हैं पटसन के वो उगा करते हैं और वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है. उसके बाद आता है एनिमल फाइबर. जो एनिमल से मिलते हैं वो एनिमल फाइबर कहलाते हैं. एनिमल फाइबर में क्या आता है? जैसे कि शिप हो गया, गॉट हो गया, उसकी जो ऊपर की स्किन होती है वो थोड़ा सा उसके फाइबर थिक होते हैं और उन फाइबर को उनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है. बाल होते हैं उनको हटा लिया जाता है, जिसको बोलते हैं फ्लिश. ठीक है, फ्लिश बोलते हैं जो शिप के ऊपर जो बाल होते हैं वो फ्लिश कहलाते हैं. उसको हटा लिया जाता है और उससे डिफरेंट टाइप ऑफ वूल बनाई जाती है जिसको पश्मीना बोलते हैं. सिल्क जो है वो सिल्क वर्म से मिलता है. वर्म ये भी कीड़ा है, एनिमल है. ठीक है, तो ये भी एनिमल फाइबर है. कौन? सिल्क हो गया, वुल हो गया. उसके बाद आता है शहतूत. जो सिल्क वर्म होता है वो एक पेड़ पर रहता है जिसका नाम क्या है? शहतूत का पेड़. उसकी पत्तियों को खाता है ये. ठीक है, और उसकी पत्तियों को खाता है और फिर अंडे देता है. अंडे से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है. और वो लार्वा अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन, एक लिक्विड सब्सटेंस निकालता है. ठीक है, और उसको अपने आप को, उससे अपने आप को कवर कर लेता है बिल्कुल. ठीक है, जैसे कि कोई स्टिक है और उसके ऊपर आपने धागा लपेट दिया, तो वो स्टिक क्या है? लार्वा. और वो अपने ऊपर एक लिक्विड सब्सटेंस से अपने आप को लपेटना जाता है. ठीक है, तो वो हार्ड होकर क्या बना लेता है? सिल्क थ्रेड बनाता है. तो यहाँ पर उसको बोलते हैं कोकून. क्या बोलते हैं उसको? कोकून. ठीक है, उस कोकून को गर्म पानी में डाल दिया जाता है और उस गर्म पानी में डालने पर अंदर वाला कीड़ा तो मर जाता है और ऊपर के जो धागा था उसको हम लंबा कर देते हैं और वो सिल्क कहलाता है. अब आता है वूल. वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द शिप एंड बूट के फ्लिस से हमें वूल मिलता है. ये एक मोटा होता है. ठीक है, मोटा सा फ्लिस होता है. उसको अगर हम रिमूव कर देते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग. द रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम दीज एनिमल्स इज कॉल्ड शेयरिंग. शेयरिंग वूल इज फर्दर
प्रोसेस्ड मैक यान से क्या बनाया जाता है, ट्विस्टेड फॉर्म बनाया जाता है, उसके बाद यान से क्या बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है। ये वुलन फैब्रिक जो है वो एयर को ट्रैप करके रखते हैं अपने अंदर, क्या करके रखते हैं, एयर को ट्रैप करके रखते हैं अपने, वुलन फैब्रिक अपने उसके अंदर बहुत सारी जगह होती है, वुल के अंदर थोड़ा थोड़ा गीप होता है उनके धागों के अंदर, तो उसमें एयर क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। और एयर जो है वो ट्रैप होने के बाद इंसुलेटर का काम करती है, मतलब ना तो हीट को बाहर जाने देती है ना हीट को अंदर जाने देती है। मतलब अब बाहर एनवायरमेंट ठंडा है तो बाहर तो हीट है नहीं जो अंदर आएगी, हमारे अंदर हीट है, ठीक है, तो वो हीट बाहर नहीं जाती अगर हम वुलन पहन लेते हैं तो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वुल है वो क्या कर लेती है, एयर को ट्रैप कर लेती है, एयर भर जाती है और वो जो हीट है वो अंदर ही रह जाती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए हमें गर्मी महसूस होती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वुल, उसके बाद जीएम एंड चाइना जो है वे भी यहाँ पर वुल प्रोड्यूस होता है। सिल्क और रेशम इज़ ऑल्सो एनिमल फाइबर, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि कोकून से बनता है और मलबरी लीव्स होती है, मलबरी मतलब शहतूत जो है उससे खाता है, सिल्क वर्म होता है। उसके बाद इसको सिल्क वर्म को पालना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर, पालना मतलब रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज़ कॉल्ड द सेरीकल्चर। कहाँ पर सबसे पहले जो सिल्क है वो कहाँ पर बना, चाइना में बना, उसके बाद जापान में भी बना, थाईलैंड में भी बना, मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ सिल्क। उसके बाद आता है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर बताया, ये यहाँ पर पत्ती है, ये यहाँ पर शहतूत की पत्ती है, ये कीड़ा है, ठीक है, खा रहा है इसको। उसके बाद इसने अंडे दिए और उसने लेयर अपने ऊपर ये इस तरीके से लेयर बना ली, ये जो वाइट वाइट आपको पूरा दिख रहा था ये क्या है, उसका कोकून है। उसके बाद हम इसको गर्म पानी में डाल लेते हैं और कोकून जो है वो सिल्क, उससे क्या बना लिया जाता है, सिल्क क्लोथ बना दिया जाता है। अब आता है हमारे पास सिंथेटिक एंड मैनमेड फाइबर। अब तक हमने पढ़ा सिंथेटिक नेचुरल फाइबर जो कि किससे बनाया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स से। अब आता है सिंथेटिक जिसको कि हम बनाएंगे फैक्ट्रीज में, उनको मेन मेड फाइबर भी बोला जाता है। सिंथेटिक फाइबर कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। दीज आर प्रोड्यूस्ड ऑन द लार्ज स्केल एंड आर मच चीपर, ये कैसे हैं, बहुत सस्ते होते हैं देन नेचुरल फाइबर। जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं ये सस्ते होते हैं, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, महंगे होते हैं ये, क्योंकि एनिमल से बनते हैं डेफिनेटली। तो नाइलॉन, रेयन, टेरिलिन, पॉलिस्टर, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड वेरी स्मूथ। सिंथेटिक फाइबर कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, यूनिफॉर्म थिकनेस, एक जैसी थिकनेस होती है इनकी, और स्मूथ होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट हैव मच स्पेस बिटवीन दियर फाइबर्स, इनके बीच में बिल्कुल, जिस तरीके से ऊन और जो सिल्क है उनके बीच में गेप होता है, इनके बीच में बिल्कुल गेप नहीं होता, क्योंकि केमिकल्स से बनते हैं ये और केमिकल्स अच्छे से रिएक्ट करते हैं और एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथ्स का फॉर्मेशन करते हैं। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, ये स्वेट को जो हमारे पसीनों को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, और ये अनसुटेबल होते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए, मतलब गर्मी है, चिपचिपाहट है, ठीक है, अभी जो मौसम चल रहा है उसके लिए ये हमारे लिए सुटेबल नहीं होते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल, और इनका वर्स्ट पॉइंट क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब नेचर फ्रेंडली नहीं है, अगर आपने कहीं पर इन सिंथेटिक क्लोथ को डाल दिया तो ये सालों तक वैसे ही रहेंगे, ठीक है, नेचर में, मिट्टी में नहीं मिलेंगे, और मिट्टी में अगर मिल जाती है कुछ चीज़ तो वो नेचर के लिए बेनिफिशियल होती है, अदरवाइज ये पॉल्यूट ही कर रही है, पॉल्यूशन बढ़ा रही है, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होंगी तो पॉल्यूशन बढ़ेगा नेचर में, तो ये नेचर के लिए सही नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्योंकि ये। अब आता है हमारे पास बैलेंस्ड फाइबर। बैलेंस्ड फाइबर क्या होता है, द यार्न ऑफ दिस फाइबर इज मेड बाय द यूजिंग बोथ नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक। अब दोनों को मिक्स करके हम क्या करेंगे, बैलेंस्ड फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, नेचुरल को भी और सिंथेटिक को भी, दोनों को मिला दिया तो वो क्या बन गया, बैलेंस्ड फाइबर, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा होता है, कलरफुल होता है, और हम जनरली इनको सस्ते भी होते हैं इसलिए हम इनको प्रिफर भी करते हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द टेरिकोट क्लोथ्स, दीज आर मेड फ्रॉम द बोथ टेरिलिन, टेरी देखो, टेरिकोट, टेरिकोट को टू पार्ट्स में डिवाइड करो, टेरी प्लस कोट, टेरी मतलब टेरिलिन, कोट मतलब कॉटन, तो टेरिलिन और कॉटन। टेरिलिन क्या है,
टेरिलिन इज अ आर्टिफिशियल फाइबर, मैन मेड फाइबर. तो टेरिलिन और कॉटन क्या है? नेचुरल फाइबर. तो टेरिलिन एंड कॉटन को अगर मिला दें हम तो क्या बन जाएगा? टेरिकोट बन जाएगा. एडिंग सिंथेटिक फाइबर टू द नेचुरल फाइबर इंक्रीज द स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ. ठीक है, जैसे कि जो मैन मेड फाइबर होता है, आर्टिफिशियल होता है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है और नेचुरल थोड़े से वीक होते हैं. तो मिला दिया जाए तो स्ट्रांगनेस भी आ गए, स्मूथ भी हो गया, हमारे स्किन के लिए भी अच्छा हो गया, ड्यूरेबल भी हो गया, ईजी टू मेंटेन भी हो गया. तो क्वालिटी बढ़ जाती है हमारे फैब्रिक की अगर हम दोनों को मिला दें तो. उसको बोलते हैं हम ब्लेंडेड फैब्रिक्स. ठीक है, ब्लेंडेड फैब्रिक्स, बैलेंस डी था, सॉरी, ब्लेंडेड फैब्रिक का ब्लेंड मतलब होता है मिलाना. अब आता है हमारे पास आपका ये, उसके बाद आता है हम फिनिशिंग. ये तो हो गया हमारे पास, सबसे पहले थ्रेड था, थ्रेड से हमने यार्न बनाया, यार्न से फिर हमने फैब्रिक बनाया. अब आता है फैब्रिक तो बन गया लेकिन फिनिशिंग भी तो आनी जरूरी है. ठीक है, फिनिशिंग को लाने के लिए अब हम क्या करते हैं, फैब्रिक इज फर्दर ब्लीस्ड एंड डाइड. उसके बाद उसको कलरफुल किया जाता है, ब्लीस्ड किया जाता है, मतलब उसके अंदर जो जितनी भी डर्टनेस है उसको निकाली जाती है. फिनिशिंग इज डन टू मेक इट सुटेबल फॉर यूज़. उसके बाद जब हमारे कपड़े की फिनिशिंग हो जाती है प्रॉपर, फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं और सुंदर दिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से. ठीक है, और इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे.